हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू वीडियो एस लेस देन 30 डेज टू कैट। ठीक है, ये वीडियो में हम बात करेंगे DILR के लिए टॉप 3 यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं, क्योंकि देखो आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स QA, ठीक है, QA, DILR और VARC, आई पर्सनली फिर DILR के वीडियो सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई सेट का सोल्यूशन नहीं देखोगे, वीडियो सोल्यूशन लाइक एकदम बेसिक से एडवांस तक, वो सेट को डीप से समझना बहुत मुश्किल है। एंड ये ऐसा टाइम है कि यहाँ पे लाइक काफी बच्चे सोचते हैं कि मैं दिन के 15 सेट करूंगा, 20 सेट करूंगा, एंड दे जस्ट डू विदाउट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेट। क्योंकि देखो हर एक सेट से हमें कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी है। एम ऐसा रखो कि आप जब भी कोई सेट सॉल्व कर रहे हो, आप उससे कुछ ऐसा सीखो कि आप उसको अपनी कोई नोटबुक में नोट कर पाओ। ठीक है, तो हम वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट होगा टारगेट, ठीक है, टारगेट। सेकंड पार्ट होगा सोर्स। ठीक है, अब आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व एट लीस्ट 5 सेट्स। ठीक है, अब देखो DILR में दो टाइप के सेट्स होते हैं, इजी सेट्स, कैट लेवल सेट्स। ठीक है, अगर आप बोलोगे भैया मैं दिन के 10 सेट सॉल्व कर रहा हूं, बट वो सेट्स अगर इजी सेट्स है, ठीक है, कैट लेवल सेट नहीं है, देन ट्रस्ट मी उसका आपको यूज कैट में एज सच नहीं आएगा। आपको दिन के 5 सेट सॉल्व करने हैं, लेकिन कैट लेवल सेट सॉल्व करने हैं। और वो कैट लेवल सेट्स कहाँ से मिलेंगे हम वो सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बात करेंगे, बट ए पॉइंट समझो, आपको डेली 5 सेट सॉल्व करने हैं, लेकिन कैट लेवल सेट सॉल्व करने हैं, इजी सेट सॉल्व नहीं करने। हम जब स्नैप एंड मैट या फिर कोई अदर ओमेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, हम जब उसके बारे में बात करेंगे इजी सेट्स के बारे में, लेकिन आपको अभी एज वी टॉक अबाउट कैट, आपको कंपलसरी कैट लेवल सेट्स ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है, लेट मी चेंज द डार्क कलर। अब जो सेकंड पॉइंट है, व्हेन आई से 5 सेट्स, आई एम अज्यूमिंग दिस 5 सेट्स अपार्ट फ्रॉम मॉक्स, अपार्ट फ्रॉम सेक्शनल्स। ठीक है, आपका जो डेली शेड्यूल है मॉक्स का, सेक्शंस का, वो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, उसके में कोई लाइक स्टॉप नहीं, उसमें कोई स्टॉप नहीं करना है हमें। और जो सेट्स आप अलग से प्रैक्टिस करोगे, 5 सेट से 7 सेट, जो भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वो यहाँ से करोगे, ये वाले सोर्स से सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आप ऐसा देखोगे तो आपके डेली मिनिमम कम से कम 10 प्लस कैट लेवल सेट्स हो जाएंगे, क्योंकि मॉक्स में जो सेट्स आएंगे वो ऑब्वियसली कैट लेवल के रहेंगे। ठीक है, अब एज वी से कि कैट को अप्रोक्सीमेटली, चलो लेट्स अज्यूम 25 डेज बाकी है, एंड अगर आप दिन का 25 × 10 250 सेट्स करोगे, ठीक है, अज्यूमिंग हाफ हाफ 125 LR, 125 DI, सो ट्रस्ट मी इट्स मोर देन इनफ। बस आपको अच्छे से करना है, आपको सेट पे जल्दी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, हर एक सेट से लर्निंग लेनी है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारे टारगेट वाला पार्ट। अगर हम बात करें कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए यूट्यूब चैनल्स में, देखो आपको बोलूंगा कि चलो आप PYQ करो, PYM करो, बट अनटिल अनलेस आपको उसकी वीडियो सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, वो करने में मजा नहीं आएगा एंड वो अच्छे से लर्निंग नहीं मिलेगी। इसलिए अभी के लिए थोड़ा PYM प्रीवियस ईयर मॉक्स का आप थोड़ा होल्ड पे रख सकते हो। ठीक है, हाँ PYQ जरूर करो, और PYQ जो वीडियो सॉल्यूशंस है आपको वो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो पहला सोर्स है वो है LRDI मास्टर। सर ने 178 वीडियोस अपलोड किए हैं उनके यूट्यूब पे, काफी ज्यादा लाइक प्रॉपर कैट लेवल सेट्स है। आई रिमेम्बर मैं मेरे टाइम पे यहाँ से प्रैक्टिस करता था, सो ट्रस्ट मी इट्स टोटली वर्थ इट एंड काफी अच्छे
प्रैक्टिस होगी आपकी अगर यहाँ से करोगे तो। ठीक है दोस्तों, जो सेकंड है, जो हमारा सेकंड सोर्स है वो है क्वांटिफायर्स। ठीक है, जो हमारा सेकंड सोर्स है वो है क्वांटिफायर्स, जिसके ओनर साहिल सर है। ठीक है, साहिल सर ने उनके यूट्यूब चैनल पे 200 सेट्स, DLR सेट्स के प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, 200 सेट्स की DLR की प्लेलिस्ट बनाई है। ट्रस्ट मी, सर ने काफी अच्छे से उसमें सॉल्व किया है, काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। सो आप इसको भी कर सकते हो। सो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए LIDM मास्टर। अगर आप वो कंप्लीट कर चुके हो, फिर कर रहे हो, तो आपको लगता है आपको हो जाएगा प्री कैट, सो प्लीज गो फॉर क्वान्टिफायर्स। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो लास्ट और थर्ड सोर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई वुड से वो सोर्स से आप लाइक प्रैक्टिस के अलावा ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, वो है ईजी। गौरव सर ने यहाँ पे 4.5 आवर्स का पूरा LIDI का रिवीजन बनाया, रिवीजन वीडियो। ट्रस्ट में आपको प्री कैट इसको एटलीस्ट 2 बार देखना है, एक हम अभी देख सकते हो और एक कैट से 1 हफ्ता पहले, क्योंकि जो हमारे कैट के जो आखिरी के 4-5 दिन रहेंगे, हमें उनमें सिर्फ हमारे मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, हमने गलती मॉक्स में की है वो सबको देखना है, ताकि वो सेम मिस्टेक्स मॉक्स कैट में ना करें। इसलिए आप ये वीडियो को एक बार अभी देख सकते हो और एक कैट के 10 डेज पहले। सो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, दिस आर 3 टॉप यूट्यूब चैनल्स यू शुड डेफिनेटली फॉलो फॉलो LIDI। एंड अगेन दोस्तों, जैसे कैट खत्म होगी हम लोग स्नैप की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लाइक हम उसके अंदर स्ट्रेटजी वीडियो प्लस कंसेप्ट वीडियो दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल दिन दोस्तों कैट के अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड, एंड यस इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय।